हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हट पर। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो फिर आज हम बात करेंगे एयर इंडिया की, जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इस मंथ में, सितंबर में। तो इसके लिए मैं डिटेल्स में बात करूँगा कि कौन सा पोस्ट है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड है इसका एप्लीकेशन। तो इसके बारे में ऑल डिटेल्स जो की है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, पहले इस जो कि एयर इंडिया के ऑफिशियल जो करियर पेज है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेज में आने के बाद आपको नीचे एक जाना होगा। नीचे जाने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के जो 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 रिक्रूटमेंट इसे ने पोस्ट हुआ है, आप लोग यहाँ से और सब कुछ देख सकते हैं। तो पहला जो रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी एजेंट एट गोवा ऑन फिक्स टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स। तो इस पोस्ट जो कि ऑनलाइन डेट के जो कि 11/9/2018 में पोस्ट हुआ है, तो इसका जो लास्ट डेट है 39/2018। तो मैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब इसका जो ऑल डिटेल्स है, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके ये डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे चला है। तो ये इसका जो पोस्ट है, एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की वर्किंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी एजेंट एट गोवा। तो गोवा में जो कि सिक्योरिटी एजेंट के रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो इसके लिए जो डिटेल्स है, आपको वर्किंग इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इंटरव्यू के थ्रू आपको जो कि यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लोकेशन रहेगा इसका गोवा में, पोस्ट है सिक्योरिटी एजेंट SC कैंडिडेट के लिए 1, ST के लिए 7, OBC के लिए 11 और जनरल वालों के लिए 44। टोटल है 64 जो कि कैंडिडेट वो लोग चूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जो कि इंटरव्यू जो होगा गोवा में, रिक्वायरमेंट होगा ग्रेजुएशन पास विद वैलिड बेसिक ABS ECA जो कि एविएशन के कोर्स होता है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं है आप तो अब भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे ठीक लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विदाउट बेसिक ABS EC। डेट और टाइम है 29 सितंबर 2018, सैटरडे। टाइम है 9 AM to 2 PM। इसका जो एड्रेस है, एयर इंडिया लिमिटेड, डेम्पो हाउस, ग्राउंड फ्लोर, कैंपल, DB मार्क, पानाजी, गोवा 40301। और ठीक उसके और एक दिन जो कि इंटरव्यू होगा उसका डेट है 30 सितंबर 2018, संडे। टाइम 7 AM to 11 PM, डॉन बोस्को हाई स्कूल, MG रोड, नियर म्यूनिसिपल मार्केट, पानाजी, गोवा 40301। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इस एड्रेस में जाना होगा। दो दिन के जो कि इंटरव्यू होगा, तो इस टाइम पे आपको पहुंचना होगा। आपको जाने के बाद आपको वहाँ का एंट्री करना होगा आपका नाम, उसके बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है, 1 सितंबर 2018 तक आपको 18 जो कि एज होना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं क्वालिफिकेशन जो कि पहले ही बोल चुका हूँ कि ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको हिंदी, इंग्लिश जो लोकल लैंग्वेज के आपको जो कि लर्न आपको समझ आना चाहिए। इसके साथ साथ आप बोलना भी आपके पास जो कि इसका जो कैपेबिलिटी है आपके पास होना चाहिए। मास्ट प्रोसेस BCS बेसिक ABS EC 12 डेज न्यू पैटर्न। तो आपको अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है एविएशन कोर्स के तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेबल BCS सर्टिफिकेट, XBIS स्क्रीनर, वैलिड सर्टिफिकेट, और नॉन ABS कैंडिडेट के लिए NCC B or C सर्टिफिकेट, ग्रेड के सर्टिफिकेट, प्रोफेशनली इन फायर फाइटिंग नॉलेज, इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी नॉलेज, इन डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज, इन अंडरमेंट कॉम्बैट लीगल नॉलेज, आर्म फोकस पुलिस बैकग्राउंड, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन
कंप्यूटर। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए 31 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, SC ST के लिए 36 और OBC के लिए 34। नो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, नो कोई भी रिटेन टेस्ट नहीं होगा, ओनली पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो आप ये एक जो कि बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, जो कि यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, रिटेन टेस्ट नहीं होगा, जस्ट आपका इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। हाइट जो कि है जनरल वालों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेमी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेमी। SC OBC के लिए 165 फॉर मेल, 155 फॉर फीमेल। ST गोरखा एंड दोज हाइलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हाईली एरियाज 162.5 सेमी फॉर मेल, 150 फॉर फीमेल। सैलरी जो रहेगा 18,360 रुपीज पर मंथ। और सिलेक्शन प्रोसेस जो मैं बोला कि आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको जो कि यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ड्रेस कोड जो कि आपको मेंटेन करना होगा इंटरव्यू के दिन। द कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट शुड बी प्रिपेयर फॉर द फिजिकल इंटरव्यू टेस्ट विद एप्रोप्रिएट क्लोथिंग लाइक ट्रैक सूट, पेयर ऑफ शॉर्ट एंड रनिंग शूज एक्सेट्रा। द कैंडिडेट आर रनिंग टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू फॉर्मल ड्रेस। तो आपके यहाँ पे फॉर्मल ड्रेस जो कि आपको वेयर करना होगा इंटरव्यू के दी। तो अप्लाई किस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन विद द डिस एडवर्टाइजमेंट एज ऑफ द 1 September 2018। आई रिक्वायर टू वर्क इन पर्सन टू द वेन्यू ऑफ द डेट ऑफ द टाइम स्पेसिफाई अबव अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द कंपनी वेबसाइट www.airindia.in। duly filled in along with the all original certificate terminals in support of date of birth, educational qualification, NCC certificate, doctor certificate for height and weight, caste certificate for SC ST OBC candidate, discharge certificate for ex-serviceman, experience certificate if any, and 5 recent photo passport size photograph। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो कि इसके एक फॉर्म है जो कि मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उस फॉर्म को भरना होगा। उसके साथ साथ आपको मैं जो जो बोला यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के जो कि प्रूफ एक देना होगा, उसके साथ साथ आपको अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है आपको वो भी देना पड़ेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके देना होगा, इसके साथ साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक साल में जो लोग एक साल में मैंने आपको वहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। 5 recent photograph आपको यहाँ पे देना होगा। ये सब दे के आपको ये फॉर्म जो कि है आपको भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बिंग एप्लीकेशन फीस इन फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट अमाउंट 500 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ के जो कि एक ड्राफ्ट करना होगा, जो एयर इंडिया लिमिटेड पेबल एट मुंबई एज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस, नो फीस टू बी पेड बाय एक्स सर्विस मैन आर कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST कम्युनिटी। जो जो लोग SC ST और एक्स सर्विस मैन उसके लिए ये नहीं होगा, जो लोग जनरल OBC है उसके लिए 500 रुपीज़ के ड्राफ्ट करना होगा। तो ये था जो कि एयर इंडिया के जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है रिसेंटली। तो आपको अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई करना तो आप लोग वहां से कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं।